नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मनु महाराज ने लिया बड़ा एक्शन। डीआईजी मनु महाराज ने शराब माफियाओं पर नकेल कसने में कतौही बरतने पर 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि होली को लेकर शराब माफियाओं काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार के छपरा और सिवान में शराब माफियाओं पर नकेल कसने के कतौही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर डीआईजी मनु महाराज ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक पुलिस पदाधिकारी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि 2000 लीटर से अधिक शराब के मामले का अनुसंधान करने वाले पुलिस पदाधिकारी समय से अनुसंधान को पूरा नहीं कर पाए हैं। इनके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए 5 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया है। उन्होंने बताया कि सारण जिला के जनता बाजार थाने के एएसआई अशोक कुमार चौधरी, सिवान जिले के गुटनी थाना के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, दरौली थाना के एएसआई विपिन कुमार महतो, शंकर पासवान को सस्पेंड किया गया है, जबकि माझा थाने के सब इंस्पेक्टर राम कुमार रंजन को स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक।